आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ पर तिरंगा लिखकर उसमें तीन कलर कैसे फिल करते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कोरल ड्रॉ ओपन कर रखा है। तो दोस्तों, कोरल ड्रॉ पर कुछ लिखने या टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर F8 को प्रेस करिए। जैसे अभी हम F8 को प्रेस करके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपनी वर्क एरिया पर क्लिक करते हैं। अब हम हिंदी में तिरंगा टाइप करते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसका कोई बढ़िया हिंदी फॉन्ट लगा देते हैं। इसके बाद पिक टूल लेकर इसे बड़ा कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इतना करने के बाद F12 को प्रेस करना है। दोस्तों, यहां से आपको विड्थ बढ़ा देना है। जैसे अभी हम विड्थ बढ़ा देते हैं। इसके बाद ओके कर देना है। तो अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है। इसके बाद इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है। तो इसके लिए अभी हम जी को प्रेस करते हैं। जी को प्रेस करने पर इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद इसी टेक्स्ट पर ऊपर से नीचे तक इस तरह से ड्रैग करना है। इसके बाद ऊपर यहाँ पर रेड कलर को ले जाकर फिल करना है। इसी तरह नीचे ग्रीन कलर फिल करना है। इसके बाद बीच में व्हाइट कलर फिल करना है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसकी आउटलाइन को नन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उसे सेव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिज़ाइन सीखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।